वर्षा सिंह होम फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सभी की फेवरेट चीज गार्लिक ब्रेड। इसमें हम न ओवन न माइक्रोवेव का यूज करेंगे, इसे हम तवे पर बड़े आसानी से बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना गार्लिक बटर बना लेते हैं। गार्लिक बटर बनाने के लिए हमें चाहिए 10 से 12 लहसुन की कली, इनको हम ग्रेट कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स। इन सब को हम जेंटली मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा गार्लिक बटर बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना स्मूथ है। अब इसके लिए हम टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। टॉपिंग्स के लिए हमने लिया एक प्याज, एक टमाटर, एक शिमला मिर्च। इन सबको हमने स्मॉल डाइस में कट कर लिया है। आप चाहो तो रफली भी कट कर सकते हो। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जैसा कि ये गार्लिक बटर हमने घर पर बनाया था, आप चाहो तो मार्केट वाला गार्लिक बटर का भी यूज कर सकते हो। आइए अब अपने टॉपिंग्स स्प्लिट कर देते हैं। टॉपिंग्स हमारी लग चुकी है, अब हम इस पर चीज लगा देते हैं। सेकने के लिए मैंने लिया है तवा, आप चाहो तो पैन का भी यूज कर सकते हो। इसमें प्रेफर नॉनस्टिक बर्तन ही करिएगा। तवा हमारा गर्म हो गया है, इस पर हम थोड़ा सा घी ग्रीस कर देते हैं। लीजिए जिससे कि मेरी नई रेसिपी का
का वीडियो आपको मिल सके, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चीज कितनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। इन्हें हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनी है, आ गया ना वो चीज वाला लुक। इन्हें हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम अपनी बाकी की ब्रेड तैयार कर लेते हैं। इन्हें आप बच्चों की और फैमिली मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर कभी भी तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।